पूरे चल रहे हैं उनके लिए अल्लाह कहता है अहलु ज़िक्री अहलु मुजालसत, जो मुझे हर वक्त याद रखते हैं मैं भी उन्हें हर वक्त अपनी महफिल में याद करता। अहलु ताअती अहलु करामती, जो 24 घंटे मेरी मान के चलते हैं मेरे दरबार से उनको इज्जतें मिलती रहती हैं बढ़ती रहती। अहलु ताअती अहलु करामती अहलु ज़िक्री अहलु मुजालसत, और तीसरे आ गए मैं और आप अहलु मासियती ला उक़नतुहुम मिन रहमत, जो मेरे ऐसे मुसलमान हैं कुछ मेरी मानते हैं कुछ अपनी चलाते हैं, कभी मेरी मान लेते हैं कभी मेरी छोड़ देते हैं, तो ला उक़नतुहुम मिन रहमत, उन्हें बशारत हो वो मायूस ना हो। इन ताबू फ़ाना हबीब हूँ, तुम तौबा करके आ जाओ तो मैं तुम्हारा महबूब हूँ, हमारी दोस्ती फौरन हो जाएगी। दुनिया में सबसे आसान काम अल्लाह से दोस्ती लगाना है, सबसे आसान, क्योंकि इंसान से दोस्ती लगाने में जज्बात आड़े आते हैं, अनानियत आड़े आती है, कोई खटपट हो जाए तो फिर दिल साफ़ नहीं होता है। और अल्लाह ऐसी ज़ात है कि ज़मीन आसमान का खला गुनाहों से भर के सिर्फ एक दफ़ा कह दे या अल्लाह माफ़ कर, तो अल्लाह कहता है जाओ माफ़ किया इतनी जल्दी। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, अहलु मासियती ला उक़नतुहुम मिन रहमत, इन ताबू फ़ाना हबीब हूँ, मेरे नाफरमानों को खुशखबरी सुनाओ कि मायूस ना हो, डरो नहीं मुझसे, डरो नहीं मुझसे, प्यार करो, तुम तौबा करो, मैं मेरी रहमत तुम्हें अपनी छाँव में ले लेगी। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी तो लोगों ने दुआ की अपील की, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने बंदों को अपनी उम्मत को लेकर नमाज के लिए निकले और दुआ मांगी, तो धूप और तेज़ हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की या अल्लाह मैंने तो आपसे बारिश मांगी आपने धूप ज़्यादा कर दी। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये तेरे जो साथी हैं इनमें एक शख्स ऐसा है जिसने पिछले 40 साल से मुझे नाराज़ किया हुआ है, 40 साल, और उसकी नाफरमानी इतनी बढ़ गई है कि जब तक वो खड़ा है उसकी नहूसत से मैं बारिश नहीं करूँगा, इसको निकाल दो मैं फिर बारिश करूँगा। तो मामला देखिए कहाँ तक पहुँचा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी रुक गई, इतनी बुराई का लेवल अप है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जो ऐसा शख्स है हमारी जान छोड़ जाए बाकियों को राहत मिले, तो उसने यूं दाएं देखा, मौली शकील इधर आ जाओ लोगों को नज़र नहीं आ रहा यहाँ आ जाओ, उसने दाएं देखा उसे कोई नज़र नहीं आया, फिर उसने बाएं देखा शायद कोई होर भी निकल आवे, होर तो निकलिया कोई नहीं, उसका कह लिया भी आज मैं मर गया, अब अगर मैं निकलता हूँ तो जलील होता हूँ और अगर नहीं निकलता तो ये सारा मुल्क बारिश से महरूम है। तो अब वो अल्लाह से बात करने लगा, तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करें कि ये जो अब अल्लाह से अपील करने लगा है अल्लाह की मोहब्बत में नहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए, इस फ़र्क को आप थोड़ा मुलाहजा फरमाएं कि मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता हूँ सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में उसके खौफ में उसके शौक में, ये तो हो गया असली टकसाली काम, मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता हूँ कि मेरी इज्जत बच जाए,
मेरा माल बच जाए, मैं बच जाऊँ, तो ये दो नंबर काम है। इसमें बराह रास्त अल्लाह मतलूब नहीं, इसमें अपनी इज्जत बचाना मतलूब है। मेरी बात समझ में आई? बोलो। यहाँ इसी किस्म की तौबा है, पिछले 40 साल की नाफरमानी तो है पूरे आला दर्जे की, हरामीपन और नाफरमानी अपर लेवल है, और तौबा कर रहा है इंतहाई दो नंबरी। जो कहा वो सुनाता हूँ। कहने लगा, इलाही आसैतु का 40 सनतन फअमहलतनी, मेरे मौला 40 साल तेरी नाफरमानी की, तू मुझे छुपाता रहा, चीज़ों का ताइबन फकबलनी, मुझे आज भी छुपा ले, मैं माफ़ी मांगता हूँ। किस बात पे कह रहा माफ़ी मांगता हूँ? बेइज्जत ना हो जाऊँ, जलील ना हो जाऊँ। तो इस दो नंबरी काम पर मेरे अल्लाह ने क्या किया, तो एक नंबर पे क्या करेगा? घटा उठी और बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर कहने लगे, या अल्लाह, आदमी तो एक भी नहीं निकला, तो बारिश कैसे हो गई? अब आप सुनिए अल्लाह ने क्या कहा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा, मूसा जिसकी वजह से रोकी थी उसी की तुफैल कर दी। इतनी जल्दी भी स्टेटस कोई बदलता है? ठीक है जी, माफ़ कर दिया, दफ़ा हो जाओ। हमारा ये, हाँ भाई ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया, चल चल, मुझे अब तो शक्ल ना दिखा, माफ़ कर दिया मैंने। तो अल्लाह ताला भी यही कहता है, चलो ठीक है, माफ़ कर दिया है, दफ़ा हो जा और फिर कल बारिश कर दूँगा। अल्लाह क्या कह रहा है? मूसा जिसकी वजह से रोकी थी उसी के तुफैल कर दी। जैसे हम, या अल्लाह अपने नबी के तुफैल हम पे करम फरमा और अपने नेक बंदों की तुफैल हम पे करम फरमा, तो ये तो 40 साल का बुराई का खिलाड़ी है और अल्लाह कह रहा है इसकी तुफैल हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वो कैसे हो गई? एक सेकंड पहले तो तेरा मुजरिम था, अभी महरम कैसे बन गया? तो अल्लाह ने कहा, मूसा उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर ली। इतनी जल्दी कोई करता? अल्लाह, तुम्हारी मेरी माँ नाराज़ हो जाए, इतनी जल्दी वो सुलह करता? अब्बा नाराज़ हो जाए, इतनी जल्दी सुलह करता? किसी भी रिश्ते को ले लो। और मेरा अल्लाह कह रहा, मूसा उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर ली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब नाफरमान था मैंने किसी को नहीं बताया और उस पे पर्दे डाले, आज जब वो तौबा कर चुका है उसे रुसवा कैसे करूँ? ये तो मेरा उसका मामला है, तुम्हें कहता हूँ किसी को रुसवा ना करो और ख़ुद मैं उसे रुसवा करूँ? नहीं मूसा, ये मेरा और मेरे बंदे का राज है। तो मैं आपको एक हदीस पढ़ कर सुना रहा था कि अहलु ताअती, अहलु करामती, अहलु ज़िक्री, अहलु मुजालसती, अहलु शुक्री, अहलु ज़्यादती। ये तीन किस्में तो फर्माबरदारों की, जो मेरी इताअत करते हैं मैं उन्हें इज़्ज़त देता हूँ, जो मुझे याद रखते हैं मैं उन्हें याद रखता हूँ, जो मेरे शुक्रगुज़ार होते हैं मैं उनका रिस्क बढ़ाता हूँ। अब आ गया मेरा और आपका नंबर, अहलो मासियत, और जो दो नंबर ही हैं, कभी इधर चले कभी इधर चले, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, जो इस तरह चलते हैं, तो उनको अल्लाह कहता है, ला उखने तो हम मैं रहमत ही, मायूस ना हों मेरी रहमत से, इन ताबू फ़ाना हबीब हम। इस पर मैंने ये किस्सा सुना है, तुम तौबा कर रहे हो, हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं। अगली बार इल्लम यतूबू, अच्छा अगर तुम तौबा नहीं करते फिर क्या करूँगा? कफ़ाना तबीब हूँ, फिर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूँगा। अब तली हैं बिल मसाइब ले उताहिर हम मिनल माआइब, फिर मैं तुम्हें छोटे छोटी तकलीफ़ें पहुँचाऊँगा ताकि तुम तौबा करो और तुम्हारे गुनाह धुल जाएँ, साफ़ हो जाएँ।